ये है बीपीए नेटवर्क और आप देख रहे हैं बीपीए न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपीए न्यूज, देश का सच दिखाते हैं हम। कानपुर से संवाददाता अब्दुल निसार की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश बिजली कर्मचारी संघ प्रांतीय कमेटी के आह्वान पर पूरे प्रदेश में बिजली कर्मचारियों के प्रथम व द्वितीय चरण के सफल आंदोलन के बाद तीसरे चरण के प्रस्तावित आंदोलन को सफल बनाने के लिए आज 18 दिसंबर को पूरे प्रदेश के रेगुलर और संविदा बिजली कर्मचारी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर शक्ति भवन पर एकत्र हुए, जिसमें प्रदेश के बिजली कर्मचारियों के उमड़े सैलाब में कैस्को कर्मचारियों ने भी प्रदर्शन में बड़ी संख्या में भाग लिया। कैस्को कर्मचारियों के साथ ही पूरे प्रदेश के बिजली कर्मचारियों में भी काफ़ी समय बाद आंदोलन में एक नई ऊर्जा दिखी एवं सरकार की कर्मचारी विरोधी नीतियों के खिलाफ रोष दिखा। पावर कॉरपोरेशन प्रबंधन द्वारा बिजली कर्मचारी संघ की 10 सूत्री मांगों को संबंध में कर्मचारी हित में जल्द से जल्द फैसला लिए जाने के संगठन इंतजार और उसके बाद बिजली कर्मचारी संघ आगे की रणनीति तय करेगा। देखिए खास रिपोर्ट। मत आइए मित्रों, निश्चित रूप से जान लीजिए उत्तर प्रदेश बिजली कर्मचारी संघ ने पुराने इतिहास में देखिए उन्होंने कितने संविदा कर्मचारियों को नियमित करा दिया, वेतन की जितनी विसंगतियां थी वह सब दूर कर दी। मित्रों एक समय ऐसा था जब संविदा कर्मचारियों को 3600 रुपए देकर और 800 रुपए वापस ये बिचौलिया ले लेता था, लेकिन उत्तर प्रदेश बिजली कर्मचारी संघ ने निश्चित रूप से मिनिमम वेतन दिलाया और ये बिचौलिए का खेल जो था पैसा वापस करने का ये बंद कर दिया। मित्रों निश्चित रूप से जान लीजिए जितना शोषण, जितना उत्पीड़न, जितना अत्याचार हमारे मीटर रीडर साथियों का इस विभाग में हो रहा है उतना कहीं नहीं है। आपको जानकर अचंभा होगा, मैं किसको से हूँ वहां पर 800 रुपए, 1000 रुपए, 1500 रुपए एक एक कर्मचारी को वेतन मिलता है। आप ये खुद सोचिए कि एक कर्मचारी 1500 रुपए में कैसे अपना घर चलाता होगा। यह दर्द किसी ने नहीं समझा, यह दर्द सिर्फ उत्तर प्रदेश बिजली कर्मचारी संघ ने समझा सबसे पहले और इस बात का निश्चय किया आदरणीय कॉमरेड महेंद्र राय जी ने, निश्चित रूप से हम इन मीटर रीडर कर्मचारियों को मिनिमम वेतन दिया कर रहेंगे। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। संघर्ष करो, हम तुम्हारे